पहुंच गए राजेश जी, मिल गए। ठीक है इधर ही लगा लूं। ठीक है इधर ही लगा लेता भाई, मेन रोड से बस 1 किलोमीटर ऊपर। तो 11:30 बजे हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। एक जगह हमने कार पार्क कर दी है, सामने एक घर बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम पंचायत मल्ला बनास। तो यमकेश्वर ब्लॉक में आता है भाई, और चलो चलते हैं यहाँ से अब पैदल पैदल। राजेश जी मिल गए थे तो बोल रहे हैं कि 2.25 किलोमीटर है यहाँ से। अब इनसे पूछ लेते हैं 2.25 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। मैंने इनको बोला एक हाईएस्ट पीक पर ले चलो, वहाँ से पूरा ग्लेशियर व्यू दिखाता हूँ, स्नो कैप माउंटेन और कौन कौन से पहाड़ है वो भी नोट कर लेंगे। ये पहुँच गए भाई टॉप पे, ये राजेश जी की ज़मीन है। हाँ ये सामने नीलकंठ वाला पहाड़ है, नरेंद्र नगर से टॉप में। अच्छा ठीक है, हाँ नरेंद्र नगर से टॉप में। और यहाँ से कौन कौन से वो दिखते हैं ये पूरा देखो, ये दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है, और ये देखो ये पूरा ये वाला पहाड़ दिख रहे हैं पूरे स्नो कैप्ड। ये केदारनाथ साइड है सामने, बद्रीनाथ किमसार से दिखता है। अच्छा बद्रीनाथ किमसार से दिखता है, अच्छा किमसार किधर है? अच्छा भाई यहाँ पे किमसार है थोड़ा सा आगे, वहाँ से बद्रीनाथ दिखता है और यहाँ से केदारनाथ वाले पीक दिख रहे हैं ये सामने। ये देखो गंगोत्री वाले, वाह। हाँ इधर हरिद्वार वाला एरिया हो गया। ये कौन सा मंदिर है, कितना प्यारा लैंड है ये, पूरा हिल टॉप है ना देखने वाली। जिस गांव में जाओ वहां से मिलेगा। अरे वाह, एलिफेंट थोड़ा नीचे तक आ जाते होंगे इधर, उस तरफ इस पहाड़ के पीछे आते होंगे ना। बढ़िया भाई, 52 गाड़ी है। अच्छा 52 में नहीं है, 237 में आता है। अच्छा ये जो टॉप वाला है। अच्छा बहुत बढ़िया भाई, क्या लैंड है भाई। ये कौन सा गांव है जो सामने दिख रहा है प्यारा सा छोटा सा, ये देखो ये मल्ला बनास। अच्छा ये मल्ला बनास है, बढ़िया बहुत प्यारा घर है, देव अभी पठाल के घर बने हुए हैं। चलो चलते हैं, ये हिल टॉप पे जमीन है भाई राजेश जी की। ये क्या है, थापर ग्रुप लेने के। अच्छा थापर ग्रुप इसको लेने के चक्कर में था पूरे को, पर अभी लिया नहीं। अच्छा गाँव का विरोध हो गया था। हाँ नहीं ये भी आपकी बहुत गजब है, मतलब यहाँ पे अगर कमरा बने ये यहाँ पे तो पूरा ग्लेशियर व्यू है, पूरा व्यू है। हाँ पैदल पैदल जा रहे हैं भाई, ज्यादा एहसास नहीं, मतलब प्लेन सा ही रास्ता है, ज्यादा ऊपर नीचे। अच्छा अभी हम देखो इस पहाड़ के थोड़ा साइड से निकल के इस तरफ आ गए हैं, और यहाँ से लाल ढांग वाला एरिया भी दिख रहा है। जो लोग इस एरिया से फैमिलियर हैं वो समझ सकते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ। तो आप गूगल मैप पे भी लिखेंगे UELLELA उलेला तो आ जाएगा, उलेला किमसार UELLELA। अच्छा अच्छा तो भाई जैसे गढ़वाल ना 52 गढ़ से बना हुआ है, ये गुप्तीगढ़ है, ये 237 गढ़ों में आता है। अच्छा 237 गढ़ है गढ़वाल के अंदर, वैसे मतलब हाँ। मेन गिने जाते हैं 52 गढ़ से बना। अच्छा वो 52 गढ़ है, तो ये 52 के अंदर आता है मेन, 237 ये 237 में आता है, इसको बोलते हैं गुप्तीगढ़। गुप्ती, जो तुम्हारे गुप्ती कबूतर के लिए बोलते हैं। अच्छा कबूतर के लिए गुप्ती बोलते हैं, गुप्तीगढ़ बोलते हैं इसको, बड़ा फेमस वाला है। तो ये तो आज वो चीज़ है भाई, ज्ञान वाली चीज़ है, मेरे को पहली बार सुन रहा हूँ कि गढ़वाल के अंदर भी 52 गढ़ है और 237 गढ़ भी। अच्छा जब नेपालियों से आजाद करवाया था तो बदले में ये देना पड़ा, हाँ बदले में ये देना पड़ा था उनको, इसलिए ब्रिटिश गढ़ भी बोला जाता है। बढ़िया है, ये पेड़ किस चीज का है? ये सागवान, सागवान का पेड़ है भाई, नहीं साल का पेड़ तो नहीं है ये, वही है। अच्छा साल को ऊपर मतलब इनको जगह मिल जाती है। अच्छा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। हाँ कार लेके आ सकते थे लेकिन बीच में ना ये लैंडस्लाइड हो रहा है, बीच बीच में ना अभी रोड बना नहीं है, इस बार मॉनसून में टूट गया होगा ये। अच्छा ये देखो भाई मॉनसून में किस हिसाब से लैंडस्लाइड हुआ यहाँ पे, चिकनी मिट्टी है ना देखने में लग रहा है, क्या हवा चल रही है भाई। एक पेड़ भी आ गया रास्ते में, इसको पार करना पड़ेगा। आते रहो ओमकर भाई, अकेला आदमी तो नहीं आ पाएगा, अनजान आदमी डर जाएगा। अभी तो दिन में तो फिर भी ठीक है, पर शाम को तो लेपर्ड से तो यहाँ तो आराम से दिख जाते होंगे लेपर्ड, है ना?
लेपर्ड तो आराम से दिख जाते होंगे, आराम से नहीं आप रहता तो छुप के ही है ना, वही खुद छुप के रहता है, पर ये तो यहाँ तो घूमता ही रहता है ना, बाय चांस हमें थोड़ा, वो तो हमें देख रहा होगा। हाँ ये देखो, देखो यहाँ से एक चोटी दिखाई दी है जिसको बावनगढ़ के अंदर में आती है, ये महाबगढ़ बोलते हैं इसको, जिनको अच्छा वहाँ पे भी मंदिर है, रिजोर्ट्स है। और उसका रास्ता कहाँ से है? वो तो नीलकंठ की तरफ से होगा, वैसे मेन उधर से कोटद्वार से भी आता है, दो गड्ढा से जो आता है ना। हाँ, समझ गया। तो भाई देखो, जिनके बारे में गढ़वाल, जिनको गढ़वाल की नॉलेज है उनको पता है बावनगढ़ और 237 गढ़, 227 था, 37 था, 237, तो उसमें से एक गढ़ ये है 237 में आता है और बावनगढ़ में महाबगढ़ आता है। और ये सामने राम मंदिर, ये देखो ये कितना प्यारा लग रहा है ना, असली अयोध्या वाला राम मंदिर। मौका मिलेगा तो जाएंगे कभी यहाँ पे, बहुत अच्छा व्यू आता है पूरे ग्लेशियर का यहाँ से भी। तो भाई राजेश जी बता रहे हैं ये वाली, इसके जो पत्ते हैं ना ये वाले, इस पेड़ के, ये कटने पे और खून निकलने पे एकदम से बंद कर देते हैं, इसको लगा लो, रगड़ लो, है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ना। भाई देखो उधर से आए हैं और इस तरफ से और वहाँ जाना है, वो दिख गया ना गाँव, और यहाँ पे गाँव वालों ने बनाया सिद्ध बाबा का कुछ स्थान है और यहाँ पे लोहा चढ़ता है। जय हो, जय हो, जय हो। देखो लोहा चढ़ता है, सब ने कुछ पुराने ताले, पुराने सब कुछ ये सब चढ़ाए हुए हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्रामीण योजना वर्ष 2019 चौक डैम जोगियाना, वहाँ जाना है उस वाले गाँव में, इतना ऐसे चल के। ठीक है, जाएंगे कुछ देर रुकेंगे फिर वापस के लिए ट्रैक कर देंगे, क्योंकि शाम को मोतीचूर की सफारी करनी है। बहुत प्यारा इन्वायरमेंट, चीड़ के पेड़ हैं आसपास, ये पूरा जंगल है। देखो यहाँ पे स्रोत है, किसी ने इस तरह से जग रखा हुआ है और ग्लास बहुत स्लो स्लो आ रहा है पर इस पहाड़ से। हाँ, तो भाई ये वाला एरिया बहुत प्यारा लगा, ये देखो कितना प्यारा है, इसमें घूमता है लेपर्ड ऐसे करके, है ना, दो दो एक साथ देखे हैं वहां पे बैठे हुए, यहाँ तो देखने में लग रहा है भाई। अच्छा, इधर भी देखा है, जहाँ पानी था स्रोत था वहाँ भी देखा है इन्होंने, वहाँ भी है ना। हाँ, मैं महसूस कर जाता हूँ ये वाइल्ड लाइफ वाले एरिया को, ये तो बहुत खतरनाक है ये वाला एरिया। तो देखो धीरे धीरे गांव में पहुँच गए, यहाँ से तो गांव स्टार्ट हो गया होगा, है ना, ये उलेला गांव स्टार्ट हो रही है। अच्छा, ये आप ही के खेत हैं, और ये देखो इनके भाई का ये सामने घर बना हुआ है टीन में, प्यारा सा, इसमें शायद एक दो कमरे होंगे, है ना, किचन वगैरह। तो ये भी दिल्ली रहते हैं, आते हैं तो थोड़ा आते होंगे, सवार देते होंगे, है ना, तो इस तरह के घर मिल जाएंगे शांति में, बिल्कुल देखो खाली पड़ा है, अभी बनाए दो ढाई साल से बना है, पानी हमारा वाला है तो पानी, अच्छा वहाँ से ना पानी आता है। ये देखो सेकंड घर, यहाँ पे भी कोई नहीं रहता, ये भी खाली पड़ा है, छत देख के मालूम चल रहा है ना, राजेश जी के चाचा का ये भी। और यहाँ से राम मंदिर का व्यू आ रहा है, उसके पीछे स्नो भी दिख रही है, स्नो वाले पहाड़ भी दिख रहे हैं, बद्रीनाथ, हाँ वो बद्रीनाथ वाले दिख रहे हैं अब, ये राइट में वहाँ से नहीं दिख रहे थे, बद्रीनाथ वाले हैं। चौखंबा बहुत शांत एरिया है भाई, दूर से दूर तक कोई आवाज़ नहीं, यहाँ तो कोई हॉर्न वगैरह की भी आवाज़ नहीं आती होगी। ये देखो, अच्छा बात भी, यहाँ जब हवा चलती है ना उस तरफ से, इधर वो किमसार दिख रहा है ना, ये किमसार है ना, अच्छा नॉर्मल बात कर रहे होंगे, उनकी भी आवाज़ आ जाती है यहाँ तक। ये देखो ना भाई कितना प्यारा है, इसको भी देखेंगे है ना जब आएंगे उधर से, अभी यहीं आना है, चलो तो फिर आगे चलते हैं। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, बाबा जी के, वहाँ सिद्ध बाबा के, है ना, चलो यहाँ से देखो सामने धारकोट दिख रहा है, हाँ महाबगढ़ टॉप में है, सामने वो राम मंदिर, और जहाँ पे राजेश जी रुके हुए हैं पीछे घर जो दिखाए थे ये वहीं पर रुके हुए हैं। यहाँ पे ऐसा जैसा कोई गाँव नहीं है कि पाँच छः घर का, सिर्फ एक ही फैमिली का घर है, हमारे अपनी फैमिली। हाँ, और यहाँ पे जा रहे हैं सिद्ध बाबा जी के उस पे स्मारक पे। अच्छा ये सब आपका ही सारा, पूरा ही पहाड़ आपका है यहाँ तो। तो राजेश जी हमें समझा रहे हैं जब से ही कहाँ कहाँ इनकी जमीन है, ये भी इनकी जमीन है सारी। वाह 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 भाई, यहाँ से व्यू आने वाला है, बिल्कुल टॉप पे पहुँच गए हैं, चील उड़ रही हैं, चलो दिखाना। अरे ये देखो, ये देखो यहाँ पे एलिफेंट आ जाते हैं, ये एलिफेंट डंक, और कह रहे हैं यहाँ पे लेटा था रात को। हाँ हाँ, आपने भेजी थी मेरे को वीडियो, ये एक्चुअली व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं ना वीडियो। ये देखो यहाँ तक एलिफेंट आते हैं, मतलब रात उसने यहाँ बिताई थी और यहाँ से चढ़ा है, यहाँ से आया था वो। और इतना बड़ा पहाड़ चढ़ गया, कहाँ से आया था वो, और यहाँ से उतर गया, उतरा तो शायद साइड से होगा, है ना,
भाई ये राजा जी शुरू हो गया ना यहाँ से। वाह, कौन सी रेंज है राजा जी की? लाल ढांग। अच्छा, ये लाल ढांग रेंज है भाई। चील देखो भाई, चील देखो। ये आपने क्या बनाया हुआ है? बैठने का, ये तो है ना, ये बैठने का है। यहाँ पे मस्त अपना बैठो यहाँ से और व्यू लो। ये व्यू सुपर पे है, ये व्यू सुपर पे। खारा खारा चौकी उस तरफ है। ये यहाँ से दिख रही है नदी, ये कौन सी वाली है? वो ये किमसार वाली वही निकलती है ना चीला से, जब आप डाउन आते हो। अच्छा, पुलिया से पड़ते हो और लॉर्ड्स से पहले। अच्छा, समझ गया, वो है ये नीचे से निकलती है। अच्छा 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 अच्छा। और उस तरफ क्या दिख रहा है? वो हरिद्वार भाई, उधर जूम करेंगे ना, उधर उधर हरिद्वार है। धुंध आ रखी है, वरना यहाँ से पूरा दिख रहा है। पूरा रात को लाइटें दिखती होंगी। तो यहाँ से तो फॉरेस्ट वालों का रास्ता होगा ना, इसे पूरा निकल जाते होंगे यहाँ से। जीप का नहीं बनाया कभी इन्होंने? अच्छा अच्छा जो 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 चिला की जो जीप सफारी करते हैं। हाँ, ये रोड़। अच्छा अच्छा, जब वो पहाड़ पे चढ़ता है बाद में और फिर नीचे उतर जाता है। अच्छा, अरे वाह, यहीं तक ही आती है भाई जीप इसके उधर तक। ठीक है, क्या जंगल है भाई। अच्छा हाँ, दिख रहा है यहाँ से, वो दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ से लाल ढांग दिख रहा है। इधर देखो, वो देखो धुआं दिख रहा है ना किसी फैक्ट्री से निकलता हुआ। लाल ढांग फॉरेस्ट टेस्ट हाउस, मैंने अपनी वीडियो में लाल ढांग फॉरेस्ट टेस्ट हाउस कवर किया है, वो सामने है। और इधर चीला है सामने, इस तरफ चील उड़ रही है बहुत सारी इधर। वाह, एलिफेंट यहाँ तक आया है, मतलब इधर एलिफेंट है इस वाले जंगल में। गजब भाई गजब, ये लोकेशन तो सुपर पर भाई। इसी वजह से मैं पिछले आधे पौन घंटे से ट्रैक कर रहे हैं, कहीं उधर कार खड़ी है। बहुत शांति, इतना ही शांत रहता होगा हमेशा। अच्छा, हो जाएगी ना रोड तो ठीक। चलो भाई, कोशिश तो कर रहे हैं जब तक यहाँ पे रोड, फिर यहाँ तक रोड आ जाए, कार आ जाएगी। अपना कार लेके आओ, यहाँ बैठो पूरा दिन, है ना। चटाई वटाई डाल के बैठो, खाना खाओ, अपना दही बड़े लेके आओ घर से। चलो भाई, एक बार बाबा जी के दर्शन करा देते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये अच्छा किया आपने। ठीक है भाई, बीड़ी चढ़ानी पड़ती है ठाकुर जी के यहाँ पे। लॉन्ग चढ़ाओ लिया, लॉन्ग चढ़ाओ दो, मुझे मालूम नहीं था। अच्छा 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 अच्छा, हाँ नहीं ठीक है, हर जंगल में भाई अपने देवता होते हैं। चलो हाँ, चलो भाई जूते उतार देता हूँ और ठाकुर जी के यहाँ पे बीड़ी चढ़ा देता हूँ। जय हो, जय सिद्ध बाबा, जय ठाकुर जी, रक्षा कर, आशीर्वाद दे, सब कुछ ठीक रहे, जय हो। यहाँ पे लिखा भी है कुछ, जय ठाकुर ब्योराल जी। नारी यहाँ पर लौंग का जोड़ा, बीड़ी व तंबाकू का चढ़ावा चढ़ा सकती हैं। चलो, जय सिद्ध बाबा मंदिर, जय हो, जय सिद्ध बाबा। बढ़िया है, देखो लोहा चढ़ा हुआ है बाबा जी के यहाँ पे, देखो कितना सारा लोहा। यहाँ पे पहले बाबा जी थे, सिद्ध बाबा थे यहाँ पे, साईं बाबा के टाइम पे, ऐसा बोलते हैं राजेश जी। अभी तक चमत्कार दिखाते हैं वो, बहुत सिद्ध पुरुष थे, लेकिन अभी उनका सिर्फ यहाँ पे ये छोटा सा मंदिर है। यहाँ पे लिखा हुआ है, नारी बाबा के स्थान को ना छुएं, आज्ञा का पालन करें। यहाँ पे लेडीज़ का आना मना है, छूना, उधर आ सकती है लेडीज़। एग्जैक्ट 12:30 बज गए, एक घंटा हो गया हम जहाँ से कार से अपनी चले थे पैदल, और मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके। हमारे अलावा कोई नहीं है यहाँ पे, और यहाँ से भी व्यू दिखा देता हूँ थोड़ा सा आगे जाके। वाह, ये है जंगल, ऐसा ही तो फील आता है कांडा से भी। कांडा फॉरेस्ट ऐसा, उससे ढिकाला ऐसे ही दिखता है दूर। ऐसे ही कॉर्बेट के जंगल हैं, ऐसे ही यहाँ के राजा जी के जंगल लग रहे हैं यहाँ पे। बहुत प्यारा है, मज़ा आ गया, सफल रहा अपना यहाँ पे आना। सुबह वाइल्ड ब्रुक से निकले, यहाँ पहुँचे, अब तुरंत जल्दी से जल्दी जाएंगे शाम को इवनिंग सफारी मोतीचूर की। मिस मत करना अगली वीडियो। अगर हम यहाँ से, यहाँ ध्यान से देखें तो एलिफेंट कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, पर बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। सोचो भाई कितना खतरनाक पहाड़ है, कहाँ तक चढ़ गया एलिफेंट। तुम्हें यकीन आ रहा, तुम बोल रहे थे कल ओंकार भाई कि एलिफेंट यहाँ नहीं आएगा, वहाँ नहीं आएगा, सोचो यहाँ भी आ गया। ये देखो, मैं तो अपनी ये ब्लू जैकेट और अपना ये कैप पहन के घूम रहा हूँ, कुछ नहीं पता चलता यहाँ पर कब ठंड लगे। ठंड लग रही है, छाँव में बहुत ठंड है और तेज़ हवा भी है, लेकिन जब चल रहे हैं तो पसीने भी आ रहे हैं। बैग भी है, पानी की बोतल उठा के चलना पड़ता भाई, बोझ। ओफ, व्हाट अ पीस, मेडिटेटिव प्लेस है ये बिल्कुल। कुछ आवाज नहीं है ना, कोई आवाज नहीं है भाई, कोई आवाज नहीं है। प्योर राजा जी नेशनल पार्क, प्योर एरिया, मजा आ गया। राजेश जी की वजह से पॉसिबल हुआ ये। पूछता हूँ मैं अगर इनका नंबर,
दूँ आपको। अब ये क्या काम करते हैं, शायद यहाँ पे अभी प्रॉपर्टी का ऑफिस भी खोलने वाले हैं ये। राजेश जी बोल रहे हैं वहाँ पे खड़े हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे हवा बिल्कुल बंद नहीं होती है हमेशा, और गर्मी में मई जून में तो क्या ठंडी हवा चलती होगी। हाँ नींद आने लग जाती है। वाह भाई वाह, ये रास्ता जा रहा है। अच्छा हाथी यहाँ से आया होगा, और आपने उस दिन वीडियो भेजी थी फॉरेस्ट वाले यहीं से जा रहे थे नीचे, है ना। अरे वाह, ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है और कुछ उधर से भी जा रहा है। हाँ अच्छा, वहाँ तक खेत थे फिर वो फॉरेस्ट वाले ने ले लिए। हाँ अरे, पहले भाई गांव वहाँ तक खेत थे, फिर जो छोड़ के चले गए सब, तो फिर नाम चढ़ाया नहीं, तो फिर बहुत गुजर थे ना पहले, तो अब तो कम हो गए है ना। हाँ दूध वूध ला देते भाई, वन गुजर काफ़ी है लाल डांग वाले इलाके में भी और इधर चिला में भी। और बोल रहे हैं कि राजेश जी यहाँ तक आते थे, वो बहुत मज़ा आता था कह रहे पहले तो पुराने ज़माने में, मतलब पूरा गुजर मूवमेंट करते थे, दूध वूध लाते थे, वो जो पुरानी लकड़ियाँ वो भी लेते थे। अच्छा बिल्कुल लंगे, मतलब लंगोट सा लपेट के रखते हो। अच्छा आपने तो मतलब बचपन की यादें होंगी वापस, ये बचपन की यादें हैं। अच्छा तो आप अभी आपकी एज कितनी होगी? 54-53 एज है, और वो बचपन की बात बता रहे हैं, मतलब गुज्जरों के पास जब कपड़े भी नहीं थे ऐसे रहते थे नंगे बिल्कुल, तो 40-45 साल पहले की बात है। उस टाइम तो और भी अलग नज़ारा होता होगा यहाँ पे। और फिर ये किमसार वाली रोड बनी हुई थी जब भी, फिर कैसे आते थे? 25 साल से बनी है ये भाई, जिससे हम कार लेके आए हैं 25 साल से बनी है। और फिर आते कैसे थे लोग यहाँ पे, कहाँ से आते थे? हाँ अच्छा पैदल आते थे, है ना। यहाँ से भी रास्ता है, पैदल जाते थे कनखल सामान लेने यहाँ इन जंगलों से। बढ़िया है, ये तो बहुत घना जंगल है इधर तो। हाँ अगर यहाँ पे हाथी तो जरूर होगा, अगर ध्यान से देखे तो, है ना, पक्का होगा। वो नहीं होगा तो दूसरे होंगे, वो तो घूमते रहते हैं, बरसात में ज़्यादा आते हैं, आइन में पानी ऊपर चढ़ जाते हैं, तो फिर ये टाइगर की मूवमेंट रहती है, कभी कभी रोर आ जाती है, बहुत आती है। और चिड़िया काफ़ी हैं, चिड़िया काफ़ी हैं। ये कह रहे राजेश जी अभी बता रहे थे कि यहाँ पे टाइगर देखा, यहाँ पे सामने इस पत्थर के। अच्छा इनको तो खैर क्या पता है, जंगल में रह रहे हैं, हर तरह का एक्सपीरियंस है, लेपर्ड की कितनी स्टोरी पूछ लो। आपका सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस क्या रहा है अब तक का, मतलब लेपर्ड का या टाइगर का, हाथी का आमना सामना हुआ कभी, कि उस दिन तो बस जान ही बच गई बस? रोड पे किमसार वाली पे। अच्छा क्या हुआ था? गाड़ी भी मेरे रात के करीब 1:30 बजे की बात है। अच्छा बोल गाड़ी फूल दी। हाँ अरे तुम गाड़ी में बोल रहा था, मेरे पति ने कह दिया सड़क में, मैं ड्राइव कर रहा था। अच्छा मैं कभी आते मिलने वाला, कहता नहीं नहीं बैठो। अच्छा अगर नाते में बुजुर्ग नहीं हो यहाँ के, हाँ तो बोलना पड़ता उनको चाचा करके, कहते नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन जैसे आगे बैठ खाता तो मैं 5-6 बिल्कुल पूरा 5-6 भाती सब अपना, कोई इधर कूदे कोई उधर कह रहे कोई हॉर्न बजाने के, लेकिन तो बाहर तो निकले कूदा तो नहीं गई गाड़ी से, आगे से नीचे, लेकिन उन्होंने भी मतलब झुंड वाला कमी करता, मतलब डराता जरूर है अंदर, फिर भाग गए होंगे हाथी इधर उधर हो गए होंगे। हाँ थोड़ा इधर उधर हो गए, तो उसके बाद फिर दौड़ा दी थी मैंने, फिर गाड़ी दौड़ा दी। मैंने सोचा था गाड़ी में भी ताकत है उसमें। हाँ अच्छा ज़्यादा बात, और क्या होता है करवानी पड़ेगी और क्या। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ भूतिया ओपरा परा जैसा कुछ? वो कमरे में हुआ था। अच्छा टाइम पढ़ता था मैं, दिल्ली से आए थे, पूजा पाठ भी करते। अच्छा और वही आसम मम्मी और उनके साथ नीचे वाले मकान में हो रहा, मैं ऊपर वहाँ भी। क्या हो गया था? चारपाई के नीचे मतलब कमर पे ऐसा लगता है कोई हाथ लगा रहा नीचे से, है ना? नीचे बाकी सकती है कभी कोई साधु संत कोई ऐसा चमत्कारी बाबा कभी आ गया हो इधर? एक आपके तो खैर है ही, ये सिद्ध बाबा किसी भी रूप में आ जाते हैं तो आदमी को बाद में महसूस होता है। अच्छा फंस जाओ कुछ लाइफ में, हाँ किसी और रूप में आके तुम्हारे बचा लेते हैं, तब आपको बाद में एहसास हो गया। आपको कभी हुआ कभी मिले कभी या फिर? हम करते रहते हैं, क्या बोल सकते हैं, मानना है। हमारे फादर भी बहुत मानते थे इस बात को, सभी लोग मानते थे आस पास के गाँव के। अच्छा बहुत ज्यादा मंदिर में उसके फादर बताए थे, एक बार मेरे यहाँ पे इतना तगड़ा साधु मिला बिल्कुल हट्टा कट्टा। अच्छा उस टाइम मेरा दिमाग काम किया नहीं कि भाई इसका तो मिलने का मतलब ही नहीं, जिस रास्ते से हम आ रहे हैं। अच्छा तगड़ा साधु मिला बहुत मतलब, और फिर वो निकल गए इग्नोर करके, और फिर बाद में ध्यान आया, उस टाइम दिमाग काम नहीं करता ना। वही चीज है भाई, देख किसी के साथ गाय वाय खो या तो बाबा का स्मरण करते हैं फिर आएंगे ढूंढने मिल जाते, मिल जाती है। भाई देखो गांव की ये नॉर्मल चीज़ है, यहाँ पे गांव वालों के पास जो गायें हैं ना वो घूमती रहती हैं जंगल में, खो जाती हैं, तो उनको ढूंढने ऐसे मिलती नहीं है जंगल में गायें, ये बहुत घना जंगल है कहाँ जाएंगे,
तो क्या करते हैं यहाँ पे सिमरन करते हैं थोड़ा सा, तो वो फिर मिल जाती है। ये देखो चील कितनी हाइट पे उड़ रही है मस्ती में, ये देखो अभी तो 7-8 थी जब हम आए। ये देखो कितनी बड़ी चील है भाई, चील है गिद्ध है, चील ही है, गिद्ध है, नहीं नहीं चील, ये देखो ना, अरे गिद्ध है ये तो, गिद्ध है ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो क्या भाई क्या शिकारी है ना, पूरा पंख ऐसे आ रहे हैं उसके, सूरज के सामने आ रहा है ना, तो जैसे एरोप्लेन की छांव जाती है। कुछ शिकार मिलेगा तो ठीक है, वरना आगे निकल जाएगी। चूहा भी दिख गया ना, उसको भी नहीं उठा लेगी, सांप दिख गया, चूहा दिख गया, या फिर वो छोटी छोटी चिड़िया, बच्चे, घोंसला। हाँ मजा आ गया भाई इस झंडे से, देखो आप हवा की क्वालिटी। हाँ अच्छा, एक्चुअली मुझे जंगल ज्यादा पसंद है, मुझे ना बहुत घना जंगल। आपको यहाँ से कुछ नहीं नजर आएगा, जब वहाँ जाओगे तो आपको कुछ और ही नजर आएगा। हाँ समझ गया मैं, वहाँ से कुछ और नजारा नजर आएगा। ये देखो बहुत सारी चील उस तरफ है, ये आसमान कितना क्लियर है, हवा कितनी शुद्ध है, मजा ही आ गया भाई। वाह चलो चलते हैं, आ जाओ चलो वापिस भाई घर पे आ गए राजेश जी के। और देखो ना कितना पुराना घर है यहाँ पे, कितना बढ़िया है, ये पठाल में बने हुए हैं कुछ। अच्छा चाचा जी के, अच्छा ये देहरादून में रहते हैं, हांगकॉन्ग में डायरेक्टर है इनका लड़का। ये देखो घर देखो गांव में कैसा हो रखा है, बल्कि मुझे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ भाई, आगे बहुत भयंकर बीमारी आ रही है कोरोना टाइप, टेक्नोलॉजी भी फेल हो सकती है, बहुत लोगों की जान जा सकती है, उससे क्या है कि ट्रैक्टर बसेस सब बंद हो सकते हैं। जो समझदार आदमी है वो गाय भैंस भी रख रहे हैं और घोड़े भी रख रहे हैं, ताकि बैल से भी खेती करनी पड़े तो वो उसके लिए भी रेडी हैं कुछ लोग, ठीक है ऐसा भी हो सकता है। और अपनी ज़मीन बचा के रखो, अपने खेत बचा के रखो, अपने घर पुराने बचा के रखें, क्यों मैंने कहा सब कुछ तबाह हो गया ना, लेकिन ये खाने को ये देगा, खाने को ये देगा भाई। ये देखो आगे वापस, वाह यहाँ पे आराम से बैठो, ये नज़ारा लो, देखो फूल भी लगा रखे हैं, सोलर पैनल, ये फूल है सोलर पैनल की इधर है। अच्छा इसमें लाइट जल जाती होगी रात को शाम को, है ना, टॉर्च वगैरह रखी होगी आपने। ये देखो ये कमरे हैं यहाँ पे। अच्छा ये ओंकार भाई अलग ही चल रहे हैं, उस तरफ से आए घूम के, इनको पता ही नहीं हम कहाँ से आए। अच्छा पानी का कहाँ पर है, पानी कहाँ से ला रहे हो? अच्छा वहीं से लाते हो, नहाने का भी पीने का भी सब? ये अच्छा है, ये हथियार अच्छा है, ये अच्छा है भाई घास काटने के लिए। वाह कहाँ से? अच्छा अच्छा यहाँ पे पास है, यहाँ से ले आते होंगे ना, बढ़िया है। रात को शाम को तो अंधेरे में आप घूम ही लेते होंगे यहाँ पे ना। और उनका घर कहाँ पर है जो आप बता रहे थे कि वो दूसरा, फिर उनको बुलाना पड़ेगा खान रोटी के लिए, तो कहाँ उनका दिख जाता है यहाँ से घर? अच्छा वहाँ से दिखता है। यहाँ पे क्या है, ये झंडा लग रहा है उसको देख लेते हैं। अच्छा देखते हैं यहाँ से, अच्छा यहाँ पे भी घर है, कितना प्यारा है भाई। ये रहा यहाँ पे भी सामने घर है ताई जी का, इनकी ये रहती हैं यहाँ पे अकेली, जो एजिड हैं बुढ़िया हैं, जो अकेली यही रहती हैं पूरे गांव में। तो पहाड़ों की स्थिति आप देख रहे हैं ऐसी है, बांस लगा रखे भाई कितने प्यारे लग रहे हैं, शांति पहाड़ी घर छोटा सा, बहुत दूर आए हैं ट्रैक करके, मतलब कि देख लो हम कब चले थे। चलो खाते हैं, बैठ रहे हैं ना, ठीक है। कैसा लग रहा ओंकार भाई, हैदराबाद से आए कल फ्लाइट से और उत्तराखंड के पहाड़ी गाँव में फंस गए हो, मज़ा आ रहा है ना? सुभाष चौधरी ब्लॉग्स में आप घूम रहे हो साथ में इन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है ओंकार भाई ने, कि जहाँ ले जाना भाई वहाँ ले जाओ, एक हफ्ता है। तो अभी हम राजा जी में हैं और परसों से फिर कॉर्बेट की तरफ निकल जाएंगे, व्लॉग पे व्लॉग आएंगे, बहुत हो गया मस्ती, अब दिखाएंगे व्लॉगिंग होती क्या है, असली व्लॉगिंग अब होगी राजेश जी की पुरानी रेडियो और पुराना घर और पुरानी जगह, चिड़िया भी बोल रही है एक। बोला इधर नज़र रखो, इधर काफ़ी मूवमेंट रहती है, ये जो सामने फील्ड दिख रहा है ना, यहाँ पे लेपर्ड की मूवमेंट काफ़ी रहती है। भालू भी इन्होंने वहाँ देखा था, जहाँ हम पीछे अभी खड़े थे ना सिद्ध बाबा के, वहाँ पे भालू देखा था इन्होंने बहुत पहले, कह रहे लाइफ में एक ही बार देखा है, ज़्यादा नहीं। ये घर वही है जो मैंने सबसे पहले दिखाया था इनके रिलेटिव का, लगे पड़े हैं ये थोड़ा सा खाना वाना बना, कह रहे दाल चावल बना रखे हैं, मैंने कहा रोटी बनानी है तो फिर बुलाना पड़ेगा किसी को उधर से रिलेटिव को, मैंने कहा नहीं रोटी नहीं बस चावल और दाल ही खा लेंगे थोड़ा। अभी बज रहा है एग्जैक्ट 1:15 हम हो रहे हैं यहाँ पे, जल्दी खाना वाना खा के चलते हैं, पैदल जाते हैं ट्रैक करके भाई, आधा पौन घंटा कार तक पहुँचने में लगेगा और फिर कार उठा के सीधा जाएंगे मोतीचूर, रोहित भाई से बात होगी है, फिर करते हैं शाम की सफारी, क्योंकि भाई एग्जैक्ट 4 बजे लास्ट है एंट्री, तो हम कोशिश कर रहे हैं 3:30 बजे या 4:45 बजे एंट्री कर जाएँ पार्क में। ये शायद अमरूद का पेड़ है, ये आम का है,
अलग अलग तरह के पेड़ है यहाँ पे अपनी है। यहाँ पे अगर किसी को रुकना है तो भाई डिस्क्रिप्शन से कॉन्टेक्ट कर सकता है, इसमें रुकवा सकते हैं आपको। अभी राजेश जी भी यहाँ पे ऑफिस खोल रहे हैं प्रॉपर्टी का, और इस तरह का ट्रैकिंग का या फिर आसपास का किसी को एक्सपीरियंस करना है इस तरह के घने जंगल में रुकने का, और यहाँ पे अपना बेड वेड लगा देंगे, आप अपना रहिए, रो नेचर में रहना पड़ेगा इस तरह से। यहाँ पे रहना है तो भाई सुभाष चौधरी आपको यहाँ पे रुकवा सकता है। आगे फ्यूचर में इस तरह के प्रोजेक्ट ही मेरे पास रहेंगे, और बिल्कुल डिफरेंट, जो कोई नहीं कर सकता, जो बड़ी से बड़ी कंपनियां नहीं कर सकती। भाई अभी ना एक चिड़िया दिखी थी, येरी बर्ड। नहीं, फोटो से अपना कोई मतलब नहीं है, हम यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब पे वीडियो ही बनाएंगे बस। बहुत बढ़िया भाई, अलग ही तरह की चिड़िया है, हर जगह नहीं मिलती। तो भाई राजेश जी ने आज हमारे लिए लंच बनाया है और इन्होंने पहले ही बोल दिया था लंच आपका हमारे साथ होने वाला है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे लंच करते हैं, राजमा चावल, और देखो ये आलू बनाए हुए हैं, बहुत बढ़िया, देखने में ही स्वादिष्ट लग रहा है, खा के क्या बताऊँ मैं। तो भाई लंच तो हो गया है, बस 5-10 मिनट में चलते हैं यहाँ से, और मैं राजेश जी का नंबर दिखा देता हूँ भाई, किसी को इनको विजिट करना है यहाँ पे आना है। अब ये किमसार में भी अपना एक ऑफिस खोल रहे हैं, और अभी तक तो दिल्ली में रहते आए हैं, इनके फादर आर्मी में थे, तो इनके दो बच्चे हैं, वो बीटेक कर रहे हैं बच्चे, और पूरा गांव देखो इस तरह से आपको दिखा दिया, पीछे जंगल है, बराबर में हाथी आता है। तो भाई राजेश जी का नंबर ये है, देख लो, किसी को कुछ पूछना हो, आना हो प्रॉपर्टी के संबंधित, कुछ भी यहाँ पे आसपास ज़मीन लेनी हो, छोटा मोटा कॉटेज बनाना हो, या फिर इनके इस कॉटेज में रुकने आना हो, तो पहले ही एडवांस में बता देना, बहुत कम रेट लग जाएगा। और इनका नंबर ये है 8802074076, बोल देना सुभाष चौधरी के यूट्यूब चैनल पर देखा था, और ये लो। हाँ, देखो ये मंदिर है, यहाँ रहो कुछ दिन भाई, घूमो फिरो, मजे लो। तो भाई 1:30 बज गया है, 1:30 से भी ज़्यादा, अब चलते हैं यहाँ से, राकेश जी को बाय बाय बोलते हैं और कार के पास चलते हैं, ये तो यही रुकेंगे, और मैं और ओंकार भाई निकलते हैं। ठीक है, अच्छा मिलते हैं ना, बहुत अच्छा लगा। और भाई कुछ भी क्वेरी हो डायरेक्ट फ़ोन कर देना, मैंने नंबर दे दिया है, किसी को यहाँ पे रुकना हो या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट घूमने, लेकिन ऐसे नहीं फ़ोन करके बकवास कर रहे हो, फोन करके यहाँ पे आना है, यहाँ पे आओगे तब माहौल पता चलेगा, क्वेरी नहीं करनी। हाँ चलो ठीक है, राकेश जी को बाय बाय बोल दिया है, और मैं और ओंकार भाई वापस कार तक की, यानी कि 2.25 किलोमीटर का सफ़र करेंगे पैदल पैदल, कोशिश करेंगे आधे घंटे में पहुँचे। टाइम कितना हो रहा है अपने मोबाइल में, टाइम बताओ एग्जैक्ट। 1:35 हो रहा है ना, 1:35 हो रहा है। अब मुझे याद दिलाना जब कार के पास पहुँचेंगे कितने बजे पहुँचेंगे, ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि 2:15 बजे लास्ट वहाँ से निकल लें। देखो वहाँ पर थे वहाँ पर, और इतना पूरा घूम के आए हैं, कितना अब दिखाना कितना टाइम हो गया, 1:35 पे चले थे एग्जैक्ट, 1:45 10 मिनट हो गए ना। और यहाँ पर कुछ गायें, इनका मुंह क्यों बंद कर रखा है, अच्छा फिर वहाँ पे जाके खोल दोगे है ना, हाँ कोई नहीं, अच्छा आप खोल दोगे, हाँ फिर रुक जाती है ना, चलती नहीं है, अब खोल दिया डेस्टिनेशन पे पहुंच के, बस 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 ये बढ़िया है भाई, सबके मुंह पे छिक्के बांध दिए ताकि ये सीधी चलती रहे, बढ़िया है। देहरादून से हम तो राजेश जी के पास आए थे सामने, वहाँ पे उलेला में देहरादून से हम तो तकरीब ही है इन लोगों के पास, साइड हट जाओ। हम इस मोड़ पे आ गए, इसके बाद फिर गांव नहीं दिखेगा, ये यहाँ पे छोटा सा इस मार्ग दिखाया था आपको लोहा सिद्ध बाबा का, और वो रहा सामने राजेश जी का घर। हाँ ठीक है भाई, राजेश जी ने भी हाथ हिला दिया, वहाँ पे खड़े हैं पूरे 10 मिनट में पहुँच गए हम यहाँ पे, और सिद्ध बाबा का जो इनके घर गांव के ऊपर था, इस पहाड़ के पीछे से पूरा राजेश जी दिखता है। यहाँ पे भी देखो घर है, यहाँ पे नीचे जंगल में अगर इस तरह के घरों में आपको रहना है तो राजेश जी से कॉन्टेक्ट कर लेना, नंबर दे दिया है, यहाँ पे पूरे ज़मीन है बहुत। चलो चलते हैं, आ जाओ भाई। ये चिड़ का पेड़ देखो, पाइन का, कितना बड़ा पेड़ है, और इसकी जड़ देखो कितनी छोटी सी है, पेड़ इतना बड़ा जड़ छोटी सी, इसलिए गिर गया। अरे भाई देखो मुझे रास्ते में क्या दिखाई दिया, और अब तक किसी ने नहीं उठाया इसको, हैरानी की बात है। ये देखो मेरा नाइफ है, इसको पकड़ो, खोलो इसको, पकड़ो ऊपर का कवर पकड़ो, ये मेरा नाइफ है, हमेशा सेफ्टी में रहता है, सेब वेब काटने पड़ जाए कुछ भी, अब लगा दो इसको। ये घर पर बनाया हुआ वो है कवर, मतलब ये देखो ना ये कितना गंदा हो गया, इतनी गाय बकरी भैंस सब गए और आदमी भी गए, किसी ने देखा नहीं, थैंक गॉड मिल गया। अच्छा वो भाई कार का चाबी नहीं गिरा, वो भी यहीं रखा हुआ था इसी जेब में, मैं सोच रहा था इसको बैग में रख लूँगा, फिर मैंने सोचा कहाँ गिरेगी, पर यार यानी कि मेरी जैकेट से गिर जाता है। यहाँ पे बाइक आ सकती है इम्पल्स और हिमालया, लेकिन इसकी वजह से नहीं आ पाएगी, ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हो गया, बाकी रास्ता बाइक वाला तो है। ओपे गाय भी चली गई इसके ऊपर से, भाई हैरानी की बात है, गाय भी चली गई इसके ऊपर से,
या तो यहाँ से गई होगी, यहाँ से भी नहीं रास्ता है। सो भाई बैक टू कार, फाइनली हम बिना रुके ट्रैकिंग किए, बिना रुके। ये बताओ कितना टाइम, दिखाओ मोबाइल दिखाओ। 2:35 पे चले थे, 2:08 हो रहे हैं, 2:10 मान लो, 33 मिनट भाई, पूरे आधे घंटे में पहुंच गए। रास्ते में ब्रेक लिया है, थोड़ा खांसी हो रही है तो चाय पी लेता गर्मा गर्म। भाई अभी रास्ते में बिल्कुल भी जगह नहीं थी और वहाँ पे एक DCM वाला एकदम से आ गया तो ये पूरा रगड़ खा गया यहाँ से। ये अब ऐसा मुझसे ही रगड़ खाती है क्योंकि चलाता भी मैं ही ज़्यादा हूँ ना। चलो अब इसको पूरा इंश्योरेंस में कराना पड़ेगा, देखते क्या होगा। फिर सभी चेंज कराएंगे, ये भी चेंज कराएंगे, ये पहले लगा था, ये भी चेंज करा लेंगे, ये पहले पुरानी लग रही है, ये भी चेंज करा लेंगे आगे का। चलो फाइनली पहाड़ी से तो नीचे उतर गए हैं, बहुत तेज़ी से मोतीचूर की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि हम 4 बजे से पहले ही पहुँच सकें वहाँ पर। रोड भी पूरी ख़राब है भाई, बीच में से उठी हुई, दोनों साइड से नीची होगी है तो बीच में से अड़ने का खतरा रहता है। अभी बज गए 3, सो एग्जैक्ट 3:05 हो रहे हैं और हम पहुंच गए हैं वापस कैनाल किनारे। जल्दी से जल्दी मोतीचूर के गेट पे पहुंचना है, रोहित भाई वहां पे मिलेंगे, फिर होगी हमारी इवनिंग सफारी चालू। भाई वेलकम टू सुभाष चौधरी ब्लॉग्स, और पहुंच चुका हूँ मैं मोतीचूर। राजाजी नेशनल पार्क का जोन है मोतीचूर जोन, जो कि हरिद्वार के पास है।